नमस्ते मित्रों, आज मैं आप सभी को ले जाने वाला हूं बनारस, इसीलिए इसका नाम है प्रवास ए बनारस। दिसंबर की धुंध भरी सर्दियों में हम लोग निकले हरिद्वार से मुगल सराय स्टेशन की ओर, और हमारे साथी धुंध से भरा रास्ता, और हमारा एक साथी मंजीत, और हमारे घर का बना खाना जिसका हम ट्रेन में आनंद ले रहे थे। ट्रेन में हम लोग खा रहे हैं घर का खाना, ये मंजीत, ये हमारा भोजन। तो घर का बना भोजन अद्भुत आनंद दे रहा है। अभी हमारी ट्रेन मलिहाबाद में रुकी है। ये मलिहाबाद जो है वो आमों के लिए मशहूर है, तो मैं जब से देख रहा हूँ तब से आम के पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी सीज़न नहीं है इसलिए आम नहीं तोड़ सकते, तो हमने सिर्फ पेड़ देख कर ही काम चला लिया। और अब हम चल पड़े दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की तरफ, जिसका पहले नाम था मुगल सराय। वहाँ पहुँचने के बाद हमारा स्वागत देवेंद्र भाई ने किया। हमारी ट्रेन वैसे 8 घंटे लेट हो चुकी थी, तो रात के लगभग 1 बजे थे, लेकिन फिर भी हमारे मित्र हमें तत्परता से वहाँ लेने के लिए खड़े मिले। और वहाँ पहुँच कर जो उनका गाँव का सुबह सुबह की छटा का हमने रात को सोने के बाद आनंद लिया, उसका मैं आपको भी वर्णन करता हूँ। हम लोग वाराणसी मुगल सराय के पास एक किराड़ी नाम का गांव है, रहने की रात की व्यवस्था हुई थी हमारी। ये भाई हैं विकास, ये कानपुर से आए हैं विशेष रूप से हमसे मिलने के लिए। रहता है राजीव भाई को 3-4 साल से सुना है इन्होंने, तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके भी रात में। मुगल सराय दिन में सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे जिस कार्यक्रम के लिए मैं वहाँ आया था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि चलो इनके गाँव घूमा जाए। तो पास में हमने प्राकृतिक खेती के कुछ उदाहरण देखे। उनके गाँव में जब हम जाने लगे तो हमने मिट्टी के बने घर देखे, और भी गाँव की कई पुरानी चीज़ें हमने देखी। हमें बहुत आनंद आया गाँव की इन्हीं व्यवस्थाओं को देखने के लिए। गाँव में जाना, प्रवास करना बहुत महत्वपूर्ण का है। गांव की वो गलियां, वो घर जो बड़े बड़े कारों के अनुसार या ट्रैफिक के हिसाब से नहीं बनी थी, बल्कि मनुष्यों के लिए बनी थी, इंसानों के लिए बनी थी, ना कि मशीनों के लिए। ये गांव जो है अब हालांकि पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन फिर भी अभी भी पुराना कुछ इनमें बचा हुआ है। जल्दी ये टूटी हुई दीवारें आने वाले कंक्रीट के जंगलों को जगह देंगी। हो सकता है कुछ वर्षों तक ये सब सलामत रहे। बुलाया है देवेंद्र भाई, तो इन्होंने जो है हमारे लिए स्थानीय भोजन का, मैंने इनको कहा था कि स्थानीय भोजन की व्यवस्था की जाए, तो इन्होंने आज हमारे लिए दिन में जो है कुचले हुए मटर की सब्जी बनाई थी। निमोना बोलते हैं। तो वो खाने में इतनी स्वाद थी कि मुझे उसका फोटो खींचना भी ध्यान नहीं रहा क्योंकि वो बड़ी अद्भुत, वो कुचले हुए मटर और उसका जो स्वाद था, वो मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद एक सब्जी से जो भोजन करने का जो स्वाद था ना, वो स्वाद शायद मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद मिला हमको। अब शाम के समय इन्होंने व्यवस्था की है कि लिट्टी चोखा, लिट्टी जो बाटी होता है राजस्थान में हमारे, जो जिसको बाटी बोलते हैं, वो यहाँ पर लिट्टी हो जाता है। लिट्टी चोखा होता है जो बैंगन का नहीं, बनता है। ऐसा भैया, लिट्टी बोलते हैं, बाटी भी बोलते हैं, और भौरी बोलते हैं। भौरी जो बन रहा है, इस मटके में जो है दाल बन रही है, और यहाँ पर आलू, टमाटर, बैंगन, ये आप देखेंगे बैंगन लगा है। हाँ, बैंगन वो सारा जो है वो भुना जा रहा है। ये भाई साहब की देखरेख में बन रहा है, सुभाष भाई की देखरेख में। तो इन्होंने तो ये जो बैंगन का भरता है ना, इसका मैंने देखा है कि बहुत पूरे देश में अलग अलग रूप में इसका प्रयोग होता है। तो जैसे महाराष्ट्र में आप झुमका भाकर खाएंगे, तो झुमका भाकर के साथ आपको इसका बैंगन भरता ही दिया जाता है, जो ये चोखा यहाँ बोला जा रहा है, बैंगन का भरता दिया जाता है, ज्वारी की रोटी दी जाती है। तो बहुत अद्भुत एक वो है, व्यंजन है वो। ऐसे ही यहाँ पर भी जो बिहार के और आसपास के क्षेत्रों में जो बनता है लिट्टी चोखा, उसमें बैंगन के भरते का बड़ा महत्व है। तो ये मुझे बैंगन के ऊपर थोड़ी सी शोध करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये बैंगन को हर जगह, बैंगन के भरते को क्यों प्रयोग किया जा रहा है, इसके आयुर्वेदिक क्या गुण है।
अभी इसके ऊपर मैंने अभी रिसर्च करना शुरू नहीं किया, लेकिन मुझे ये देखा कि वो इतना अद्भुत बनता है, और यदि इस प्रकार से बनाया जाए तो फिर तो उसका स्वाद मुझे लगता है बहुत अद्भुत होने वाला है। बैठा बैठा मैं ये सोच रहा था कि इस प्रकार का भोजन बनाने के लिए शहरों में कितने लोग लगते, कितने मजदूर लगते, कितनी महिलाओं को काम करना पड़ता, लेकिन तब भी ये स्वाद जो यहाँ मिलने वाला है वो नहीं मिल पाता। तो गांवों में जो रविंद्र शर्मा गुरुजी ने हमें बताया कि बहुत ही सहजता से सब काम हो जाता था। तो ये धनिया किस लिए काट रहे देंदे भाई? ये धनिया जोखम जोखम डालने के लिए, इसको काट काट के जोखम डालेंगे, थोड़ा इसका खुशबू अलग बताएगा, थोड़ा देखने में अच्छा रहेगा अच्छा, और अच्छा। स्वादिष्ट भी होगा। टमाटर भुज चुका है और आलू भी करीब करीब तैयार हो गई है, और इसके लिए चोखा में मसाला, मतलब मसाले में क्या है, लहसुन मिर्च और अदरक है। अच्छा, बैंगन अभी डालेंगे? अभी ये जी जी रखा हुआ, वो बैंगन रखा हुआ है, अभी उसको छीलेंगे, उसके ऊपर डालेंगे, उसके बाद उसके बाद सब उसको मिक्स करेंगे। अच्छा, और ये दाल दाल बन गई है पूरी? जी जी जी, बहुत बढ़िया दाल बन गई है, उसको तड़का मारेंगे। पिछले 1.5-2 घंटे से हमारे सब भाई लोग इसकी व्यवस्था करने में लगे हैं, तो मैंने आज तक जो है शायद पहली बार मेरा ये अनुभव है कि घर की महिलाओं के बजाय जो पुरुष हैं वो भोजन बनाने की इतनी तत्परता से लगे हुए हैं। तो ये पहले जब हम मांसाहार करते थे अपने गांव में, तो तभी देखता था मैं कि घर के पुरुष जो हैं वो मांसाहार के उसको तैयार करने में जो है इतना तैयारी वगैरह सब मसाला वसाला बनाने में लगते था। पहली बार किसी शाकाहारी भोजन के लिए इतनी तैयारी करते हैं मैंने देखा है। तो ये बड़ा एक कड़वा सच है कि घर के पुरुष मांसाहार के लिए तो खूब बढ़िया से आपस में मिलके बना लेते हैं, लेकिन शाकाहार बनाने का जो है वो मुझे लगता है मेरा अनुभव भी पहला है। तो मुझे लगता है कि जो इसके बाद जो स्वाद होगा वो उससे कुछ कम नहीं होने वाला। तो मेहनत की जाए तो शाकाहार में भी बहुत स्वाद आ सकता है, तो उसका भी जीता जागता उदाहरण मैं यहाँ देख रहा हूँ। फास्ट फूड के जमाने में ये स्लो फूड जो है वो अलग ही आनंद देने वाला था। हो गया सबका हाल है, पकड़ने वाला फिर दोबारा देखा जरिया नहीं इतर तली खुला ना। दाल की खुशबू देख रहे हो कैसी आ रही है? तो अभी खाना बन के तैयार है, और मुझे लग रहा है कि जो ये इस दाल की जो खुशबू है ना, मैं सब बता रहा हूँ देवेंद्र भाई, मेरी नानी को गए हुए लगभग 15 साल हो गए हैं। हम मुझे याद है बचपन में गांव में जाके उनके यहाँ खाया करता था दाल, उनकी दाल का स्वाद मुझे आज भी याद आता है। आज इसकी खुशबू सूंघ कर ना मुझे उसी दाल का स्वाद याद आया। पहली बार ना मेरी माँ बना पाई वैसे, ना कोई नहीं बना पाया, मैं कहता उन जैसी बनाओ, कोई नहीं बना पा रहा। आज वैसी दाल का जो महक है ना वैसी आज पहली बार आई है, वो खुशबू से ना पुरानी यादें ताजा हो जाती है ना, वही वही लग रहा है मुझे। तो बहुत अद्भुत भोजन जो है वो बना है। अभी भाई लोगों की मेहनत देखी इतनी 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 बढ़िया ये दाल हांडी की। जो हम केराडी गांव में हैं कल से, अभी एक बाबा जी हमारे पास आए हैं जो काफी वृद्ध हैं, कुछ परेशानी थी शरीर की उनको, तो बातों बातों में हमें पता चला कि उनके पास एक बहुत बड़े अद्भुत कला है, वो है किसी भी सांप के जहर को उतारने की उनके अंदर जो है कला है वो है। तो बाबा जी नाम क्या है आपका? नाम धर्मु। थोड़ा इनको सुनाई थोड़ा सा ऊंचा देता है इसलिए, तो धर्मु नाम है इनका, और इनके पास जो है सारे सारे के सारे जो सांप, चाहे करैत हो चाहे नाग हो, जो खतरनाक से खतरनाक सांप हो, सबके इन्होंने जहर उतारा है। और इनकी जो विद्या है वो इनको जो सीखने को मिली है, कई लोगों की जान बचाई जिनका इकलौते बच्चे थे, बड़े पैसे वाले थे, तो लगभग वो मृत शरीर को लेकर जा रहे थे, और किसी ने कहा कि भाई इस गांव में दिखा लीजिए इनके कला आती है, तो इन्होंने उसको ठीक किया। तो उन्होंने खूब पैसा देना चाहा कि भाई हमारे बच्चे को बचा लिया आपने,
लेकिन एक पैसा भी इन लोगों ने नहीं लिया। तो एक और बात मैं बताता हूँ खेल खेल में कि इन्होंने इनके पास एक ऐसा मंत्र है कुछ इनके जान के जहाँ पर किसी व्यक्ति के ऊपर काला जादू बोलिए या कुछ भी बोलिए उसको कि अगर सिर पे वो मंत्र मार दे तो व्यक्ति अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो वो खेल खेल में कोई उसका फायदा नहीं है, ऐसा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन वो मंत्र ऐसा है कि किसी को मार दिया जाए तो नुकसान नहीं होता, वो किसी को नुकसान है, वो हिल नहीं सकता। जब फिर उसको काटते हैं तो फिर वो हिलता है, मंत्र काट देते हैं तो हिल जाता है। तो ऐसी ऐसी विद्याएं हैं, तो ये गाँव में आने के बाद ही पता लगता है। तो अगले दिन सुबह हम चल पड़े देवदरी और राजदरी के जलप्रपात यानी झरने देखने। इन्होंने कहा कि बहुत ही सुंदर स्थान है, तो मैंने कहा कि अवश्य हमें जाना चाहिए। तो रास्ते में बहुत सुंदर स्थान पड़े, गांव का पूरा अवलोकन करते हुए देखते हुए हम लोग वहां की ओर अग्रसर हुए। करीब यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर था रायगढ़। जिस जगह पर अभी हम हैं वो नौगढ़ और विजयगढ़ की पहाड़ियां हैं। चंद्रकांता जो उपन्यास था और जो नाटक सीरियल बहुत साल वर्षों पहले आया था उसमें इसी नौगढ़ और विजयगढ़ की पहाड़ियों का जिक्र है कि नौगढ़ और विजयगढ़ में थी तकरार। नौगढ़ का था जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, वो जो गीत है उसमें इसी नौगढ़ और विजयगढ़ की बात है। तो वहां के उस नौगढ़ का जो राजकुमार था उसका नाम ही वीरेंद्र विक्रम सिंह था। मुझे याद है मेरे स्कूल में मुझे वीरेंद्र विक्रम सिंह करके चिढ़ाया करते थे सब लोग कि चंद्रकांता का जो नाम है उससे। तो ये पूरा बड़ा सुंदर स्थान है पूरा, देखिए पीछे अब मैं इसको बरारी बोलते हैं। ये अभी हमने जंगल में मकोय मकोय जो है ये लीजिए मेरे लिए उसका बीया मतलब के अंदर का बीज जो है ना, उसको काला काला जो है ये मकोय बोलते हैं। काले बीज को क्या करते हैं इसके चूस के चूस के थूक दिया जाता है, मतलब वो बीज नहीं खाना है, बीज नहीं खाना है। उसको भी चबा खा जाते हैं लोग, वो नुकसानदायक नहीं है बल्कि और पेट साफ ही करेगा। हाँ लेकिन पेट साफ करने का भी सही टाइम नहीं है। हाँ नहीं नहीं इस टाइम नहीं है। अगर पीछे पूरा बहुत बढ़िया स्थान खट्टा होगा, लेकिन खट्टा होगा भयंकर खट्टा होगा भैया। इसका टाइम कच्चा है भैया ओहो। अरे बहुत टगा ये तो भयंकर खट्टा है भाई, ओहो सही के बाल खड़े हुए सारे। वाह लेकिन फिर भी अब बाद में स्वाद आता है इसका। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चौहान, मुझे पहली बार मेरे नाम के वीरेंद्र सिंह चौहान इनका भी नाम है। ये हमारे देवेंद्र भाई जिन्होंने हमें बुलाया उनके बड़े भैया हैं। तो यहाँ बड़ा अच्छा जो कल पूरा भोजन की व्यवस्था हुई है। यहाँ पर एक पानी का स्रोत है, एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ये प्राकृतिक रूप से ये जगह है जिसको चुआंस का पानी बोलते है। चुआंस चू कर आया हुआ पानी, तो जमसोती नाम की जगह है। बिल्कुल इस कांच के जैसा पानी है। तब एक ही में था तो इधर में अगर कोई नहा धो लेता था तो ये पानी अपने आप रुक जाता था, तो इसका सफाई करना पड़ता था। अच्छा अच्छा, इसीलिए पूजा पाठ सब करते थे तब फिर चालू होता था। अच्छा अच्छा, बंद हो जाता था। इसमें अगर गंदगी हो जाएगी तो पानी बंद हो जाएगा ना, फिर पूजा पाठ करके फिर शुरू। इस प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों का जो पानी के स्रोत है देश में भरमार है, और हमें उसका महत्व जानकर उनको जरूर उनका उस पानी का सेवन करना चाहिए। पीने लायक पानी है, बहुत पानी पी के देखते हैं। इस पानी में जरा भी भार चेक करो, बहुत बढ़िया पानी पीने लायक। इसका चेक करो पी के आप, मतलब ठंडा मिलेगा ज्यादा गर्म। हाँ ना बिल्कुल ना, जैसे रूम टेम्परेचर का बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी जैसे नॉर्मल, ना ठंडा ना गर्म बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, कत्था कत्था सुपारी मत डालना उसमें, तो चूना लगा दीजिए, कत्था मत लगाइएगा सुपारी। आखिरकार हम पहुंच गए राजदरी और देवदरी जलप्रपात जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। ये चंद्रप्रभा रेंज में है और बहुत ही सुंदर स्थान पर स्थित है। तो जब ये राजदरी नाम का राजदरी या देवदरी बोलते हैं इसको, यहाँ पर एक बड़ा सुंदर जगह है जो भाई लोगों ने बताया। तो ये खुद यहाँ इस क्षेत्र के, लेकिन इनका दुर्भाग्य रहा कि खुद कभी यहाँ देखने नहीं आ पाए। नहीं मैं आया हूँ। तो आइए आए हैं लेकिन वीरेंद्र भाई नहीं आए, तो आज हमारे कारण इनको भी सौभाग्य मिला यहाँ पर आने का। तो हम देखते हैं
पानी में। अरे तो नहाना बनता है भाई, यहाँ तो नहाना बनता है। भाई यहाँ पे ये जगह तो आना जरूरी था, यहाँ पे आना, अगर यहाँ पे ना आते तो अधूरा रह जाता, ऐसा लगता कि जो है विकास में। इतनी आलीशान जगह है, तो इतनी खतरनाक खाई है लोग अपने व्हाट्सएप पे लगाते, तो मैं खुद सोचता हूँ कि इतनी गहरी झील कहाँ से आ गई। वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर स्थित यह सुंदर प्रकृति की गोद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य अर्थात चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित यह जलप्रपात बहुत ही सुंदर लगा, और इसे एक दो घंटे में देखने का और छोड़ने का मन भी नहीं किया। लेकिन यह इतना सुंदर था कि मैंने निश्चय किया कि अगली बार अपने परिवार को यहाँ अवश्य लेकर आऊँगा। यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यह नौगढ़ और विजयगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वहां स्थित है। कैमूर पर्वत श्रृंखला के पास चंद्रप्रभा नदी पर बना यह जलप्रपात, इससे ठीक पहले चंद्रप्रभा बांध है। इसके ठीक 1 किलोमीटर के लगभग देवदरी जलप्रपात है जो इससे आगे स्थित है, वह भी एक बहुत सुंदर और मनोरम स्थान है जिसको हमने देखा तो हमें बहुत ही सुंदर लगा। यदि अपने देश में भी हम देखने पर आए तो अमेरिका और विदेशों जैसे खूबसूरत दृश्य भारत में भी हैं, बस हमें उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है। यहाँ भी करोड़ों सालों के भौगोलिक बदलावों के कारण इतने सुंदर स्थान बने हुए हैं। अब समय आ गया था अब वापस जाने का, तो हम निकल पड़े अपने गांव की ओर। लेकिन रास्ते में हमने एक हनुमान मंदिर देखा, जंगल के बीच स्थित एक हनुमान मंदिर है जिसके दर्शन करने हम आए हैं। तो इसके बहाने मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मंदिरों का घंटी है ना जो भी बजता है, इसका एक विज्ञान ये था कि जब भी हम मंदिर में घुसते हैं तो इसको पहले घंटा बजाने का जो पद्धति थी वो इसलिए थी कि हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो मंदिर में आके खतरा समाप्त हो जाए, तो उसका पहला चरण जो होता है वो जो है इसका घंटा जो होता है। तो हमेशा इसके कभी भी आप घंटा जाते ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि दूर से बजाते हैं, यहाँ से ऐसे करके बजा देते हैं, तो वो तरीका नहीं होना चाहिए। कभी ठीक नीचे खड़े होकर तब इसको घंटी बजानी चाहिए। तो भारत में जो डिस्पोजेबल की बीमारी है ना, वो हम कहीं भी जाते हैं ये डिस्पोजेबल की बीमारी कहीं भी देखो वो देखने को मिलेगी आपको कि अरे भोजन बनाइए जंगल में, कोई मना नहीं करता कुछ भी, लेकिन ये प्लेट्स देखो ये देखिए ये सब फेंका हुआ है, पन्नी शौक के चक्कर में अपने ये हाई पत्तल में खाने के लिए, पत्तल हल्की भी है सब है लेकिन उसमें नहीं खाएंगे, तो ये जंगलों में भोजन बनाते हैं। देखिए पूरा तो कहीं भी फेंक दे रहा हो, ये भी नहीं कि अगर खा रहे हो तो ले जाके कहीं ऐसी जगह फेंक दो जहाँ से उठाया जा सके, वो जिम्मेदारी प्रकृति की है। फिर कहेंगे ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, जमीन खराब हो गई। अभी हम ये जो हनुमान जी की मूर्ति जहाँ पे स्थापित थी उस जगह पे जा रहे हैं। कोई व्यक्ति इस मूर्ति को चुरा के जो भाग रहा था, दैविक चमत्कार ऐसा हुआ कि उसने जब उसको मूर्ति को चुरा के भागा, जहाँ उसने रख दिया वहां से वो मूर्ति उठी नहीं और उसको वहीं छोड़कर वो भाग गया। फिर वहां से उठाकर उसने जो हनुमान मंदिर अभी हम गए उस हनुमान मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित किया गया। राजदरी देवदरी की बहुत सारी यादें लेकर और अपने परिवार के साथ पुनः वापस आने का निश्चय करके मैं प्रतीक्षा में था अगले दिन बनारस जाने की। बनारस की यह मेरी पहली यात्रा होने वाली थी और मैं बहुत ही उत्सुक था बनारस जो विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है उसके बारे में जानने का, उसको देखने का, उसको एक्सप्लोर करने का, तो यह अवसर मैं खोना नहीं चाह रहा था। तो अगले भाग में मैं आपको कराऊंगा बनारस प्रवास, बनारस का भाग 2।
आइए देखते हैं उसकी कुछ झलक।